Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Surat School, Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, Magnetic Effects of Current and Magnetism of fourth chapter, last chapter, Classification of Magnetic Metals. And our today's topic is some important definitions of magnetism or some important terms of magnetism that is used in our further chapter. अभी जो हम पढ़ेंगे वो कुछ terms हैं, definitions हैं, जो हमारे बहुत यूजफुल रहेंगे आगे डेरिवेशंस पर्पस के लिए. तो कुछ टर्म्स रहेंगे जो बहुत यूजफुल रहती हैं आगे हमारे चैप्टर को प्रोसीड करने के लिए. तो इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं. 5-6 डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. हम बार बार बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं बी से. एसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. फर्स्ट लोरेंस फोर्स के टर्म्स में देखते हैं क्या डेफिनेशन इसकी बन सकती है. लोरेंस फोर्स के टर्म्स में हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी क्रॉस बी. इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को वी बी साइन थीटा कह सकते हैं. अब मुझे इसको डिफाइन करना है, किसको, बी को. इसको डेफिनेशन को हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड. अब फोर्स किसको एक्सपीरियंस्ड होगा, मैं ये कह सकता हूं एफ इज इक्वल टू बी है. कब होगा ये, व्हेन क्यू इज इक्वल टू वन, वन कूलम चार्ज और कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज. वेलोसिटी कितनी हो, 1 मीटर पर सेकेंड. और साइन थीटा ये 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री. तो यहां से एक डेफिनेशन बन गई और उस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड perpendicular to the magnetic field, then that force is equal to magnetic field strength. इसको हम इस तरीके से define कर सकते हैं कि F की value B के बराबर होगी अगर 1 कूलम चार्ज हो, 1 मीटर यूनिट मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड से. या दूसरी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स आप आगे पढ़ते हो, फाई इज इक्वल टू बी है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसको हम कह सकते हैं बी ए कोस थीटा. ठीक है, यहां पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बी को. कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पासिंग परपेंडिकुलर टू इट, कि एक यूनिट एरिया से टू यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, एरिया को हमने 1 कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, दैट मींस थीटा 0 बनेगा वहां पे. तो जो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया से पास होंगी, दैट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो वहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो बेसिक हमारे पास में जो बी है उसकी दो डेफिनेशन बन जाती है, एक लोरेंस फोर्स के टर्म्स में फोर्स के बेसिस पे और एक मैग्नेटिक फ्लक्स पे. अब इसकी यूनिट की बात करते हैं. बी की जो एसआई यूनिट होगी, यूनिट ऑफ बी, अगर हम इसकी बात करें तो एसआई यूनिट जो होती है वो हम पढ़ चुके हैं टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से डिफाइन किया जाता है. दूसरी होती है सीजीएस, जिसको हम बोलते हैं गॉस, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गॉस, या रिवर्स भी कह सकते हो, 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला. ये एसआई यूनिट है इसकी. क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पे डेफिनेशंस होती है, बेसिकली डेफिनेशन इसकी, ज्यादा चांसेस तो है नहीं, लेकिन यूनिट कन्वर्जन कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ता है, कई बार गॉस दे देते हैं न्यूमेरिकल्स में, एसआई में कन्वर्ट करते हैं, तो टेस्ला में हमें पता होना चाहिए. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी कि हमें बी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, यानी एक यूनिट चार्ज को जब वो 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या आती है. सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं.
सेकंड डेफिनेशन जो है हमारी वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको बोला जाता है। अब ये टर्म्स क्या है प्रैक्टिकली अगर देखें तो कह रहा है डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मेटल, कि मैंने एक मेटेरियल लिया, कोई मेटेरियल है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये कितने डिग्री मैग्नेटाइज कर सकती है, इसको मैग्नेट बना सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मेटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मैंने एक सोलेनोइड लिया, ठीक है, और उस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट जो लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो n होती है और I जो है वो करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो वैल्यू कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू एन आई। अगर वहां पे फ्री स्पेस है तो म्यू नोट लिखेंगे, कोई मेटेरियल है तो म्यू लिख देंगे, म्यू एन आई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। बट यहां पे तो मेटेरियल है, ये कितना मैग्नेटाइज कर सकता था मेटल को, मीडियम की बात नहीं कर रहे थे, यहां पे ये जो टर्म्स होती ये क्या कर रहा है, उसको मैग्नेटाइज कर रहा है मेटेरियल का, मीडियम को छोड़ दे तो इसका मतलब इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू इन टू में एच लिखा जा सकता। अब एच की डेफिनेशन यानी कि इसको दूसरी टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं, और वो टर्म्स क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और करंट है। इसका मतलब इसको हम अनदर डेफिनेशन में अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ सोलेनोइड, क्योंकि यहां पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स और करंट जो हो गया वो एम्पियर टर्न्स हो गया, और लेंथ कितनी होगी सोलेनोइड की, यूनिट लेंथ होगी, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं, h बोल सकते हैं। फिक्स्ड हो गया कि आपको जो सोलेनोइड लेना है उसमें यूनिट लेंथ होनी चाहिए, एक मीटर की लेंथ होनी चाहिए, उसमें जो एम्पियर टर्न्स होंगे वही क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही वैल्यू क्या होगी, एच होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये किसी मेटल को मैग्नेटाइज करने के लिए है, ये तो खुद जनरेट कर रहा था, ये मीडियम है, मीडियम की वजह से चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो बाकी की टर्म्स है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये एक्चुअल में है, जैसे हम ये कहें कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी जो है वो हमारा स्कूल है, ठीक है, जो एच होगा वो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने डिसिप्लिन होना चाहते हैं वो टर्म्स है, और आई को हम कहते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के टर्म्स में आएगा। लास्ट में इसको एक इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, बी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, म्यू एच होगा, और बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, तो एन आई जो है वो एच के इक्वल है, सिंपल डेफिनेशन में पढ़े थे। दूसरी डेफिनेशन भी इसकी, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ये टर्म्स थी, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो, और ये करंट था, नंबर है, नंबर की यूनिट तो होगी नहीं, लेंथ की कितनी होती है मीटर, और करंट की क्या होती है एम्पियर, तो इसकी जो यूनिट होनी चाहिए ऐसा यूनिट वो कितनी होगी, ऐसा यूनिट ऑफ एच इज इक्वल टू एम्पियर मीटर इनवर्स, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में मीटर है। इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, एक बार एक वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था, इसकी जो ऐसा है सीजीएस यूनिट जो होती है उसका नाम होता है ओर्स्टेड, क्या होता है ओर्स्टेड। अब इन दोनों में रिलेशन भी पता होना चाहिए, जैसे न्यूटन और टाइम में रिलेशन पूछ लेते हैं वैसे ही यहां पे है, तो हम ये लिख सकते हैं वन ओर्स्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर मीटर इनवर्स, जो सीजीएस यूनिट होगा वो कितने के बराबर होगा, 80 एम्पियर मीटर इनवर्स के, यानी जो ऐसा यूनिट है उसके बराबर। तो यहां पे हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले ही कहा था अगर फ्री स्पेस हो सोलेनोइड के बीच में, कोई मटेरियल नहीं रखा वहां पे, मेटल रखा है तो म्यू होगा, और फ्री स्पेस है तो यहां पे बी इज इक्वल टू कितना होता हमेशा, म्यू नोट एच होगा, ठीक है।
ठीक है, आगे जब हम म्यू नोट को डिफाइन करेंगे तो वहां पे बी अपोन में एच से डिफाइन करेंगे। तो ये सेकेंड टर्म्स थी, इसको ध्यान से रखेंगे कि कितने डिग्री तक कोई मेटल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और इसकी वैल्यू कैसे होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स होगी और एच जो होगा वो एन आई के इक्वल होगा। तो सेकेंड डेफिनेशन हमारी ये थी, देखते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत स्मॉल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, कि मटेरियल की एबिलिटी होगी टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। कि मान लेते हैं ये मटेरियल है, इस मेटल को जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्लेस किया तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जब हम दूसरा मेटल रखेंगे, कोई और दूसरा रखते हैं, तो अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ पासेज जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर मीडियम की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी चीज को अपने थ्रू पास होने देता है और किसी को नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म्स में जब हम डिफाइन करते हैं किसी मेटल के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो कह रहा है कि डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट ए मेटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। कहता है कि कितनी डिग्री तक, कितने एक्सटेंड तक, अगर मैं ये मान लेते हैं मार्कर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ओरिजिनली यहाँ पे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब इसमें से रख रहे हैं तो इसमें से 11 पास हो रही है, ठीक है, एक इसने अट्रैक्ट कर ली साइड में से इतने एरिया में से। जब मैं इस मेटल को रख रहा हूं तो इसमें से 15 पास हो रही थी। इसका मतलब अलग अलग मेटल की क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, परमेबिलिटी, दैट मीन्स परमिट कर रहा है टू पास थ्रू दैट। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ मेटल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। अगर हम इन दूसरी डेफिनेशन में देखें तो इन अनदर डेफिनेशन, अभी हमने पढ़ा था सेकेंड जो डेफिनेशन थी वो थी बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो हमें म्यू को डिफाइन करना है तो बी अपोन में एच हो गया। यहां पे एच जो था वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था और बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ इतनी थी और उस मेटल को इतना हमने मैग्नेटाइज किया, तो इसका मतलब बी अपोन में एच जो था वो रेशियो क्या कहलाता है, मीडियम ही तो बताएगा कि उस मीडियम के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई। अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पे B इज इक्वल टू म्यू एच, ये लास्ट में हम पढ़ चुके थे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूज कर। तो B इज इक्वल टू, अब की बार हम म्यू डिफाइन कर रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, इसको देखने से ही लगता है एसआई यूनिट इज इक्वल टू B, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी, टेस्ला। H की हम पढ़ चुके थे, एम्पियर टर्न्स थे, इसका मतलब एम्पियर मीटर इनवर्स थी। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसके एसआई यूनिट थी। दूसरी टर्म्स में अगर इसी को हम डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक और यूनिट होती थी जिसको हम क्या बोलते थे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, और यहाँ पे एच की हम पढ़ चुके हैं मीटर एम्पियर इनवर्स। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये भी किसकी यूनिट होती है, म्यू की यूनिट होती है। तो इसका मतलब म्यू हर मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो ये सिर्फ आपको बताता है कि वो मेटल कितना मैग्नेटाइज है, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने देता है। नेक्स्ट टर्म में हम देखें तो एक टर्म जैसे इलेक्ट्रिकल, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने एक कॉन्स्टेंट पढ़ा था जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो वहां पे भी रिलेटिव था और यहाँ पे भी एक रिलेटिव की टर्म्स आ सकती है। तो रिलेटिव अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं तो वहां पे कितना लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए मेटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। इसी को अगर हम लिखें तो उसके टर्म्स में कितना होगा, म्यू, और अगर फ्री स्पेस की बात करें तो कितना होता है, म्यू नॉट। तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी यही होती है, लेकिन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी सेम टर्म्स होती है न्यूमरेटर डिनोमेटर में, इसलिए ये जो टर्म्स होगी वो कैसी होगी, यूनिटलेस होगी। कैसी होगी, यूनिटलेस। तो यहाँ पे यूनिटलेस होती है। म्यू नॉट है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है और उसकी वैल्यू आपको पता है 4π × 10⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर की टर्म्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जो मेटल पे डिपेंड कर रही थी। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन जो है। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, वेक्टर होती है, एच भी वेक्टर क्वांटिटी था। इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो ये क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच ए स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड। मैंने एक स्पेसिमेन, एक मेटल रखा, एक पार्ट रखा मेटल का, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया जो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए है, यानी कि एच में। जब हम एच में रखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात नहीं हो रही, फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात हो रही है एच की। जब मैं किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जिस फील्ड में रखता हूं उसको क्या बोलते हैं, एच। तो जब हम रखते हैं तो कितनी एक्सटेंट तक वो स्पेसिमेन, वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी मेटल को जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो वो मेटल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, ये तो डेफिनेशन की बात हुई कि कितना मैग्नेटाइज हुआ हमारा मेटल, वो कौन बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्वांटिटेटिवली इसको कैसे डिफाइन करें, क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी के टर्म्स में, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिकली डायपोल मोमेंट ही होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सपोज करते हैं कि एक मटेरियल था और जब मैंने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, इसको एच में रखा, तो इसमें डायपोल्स क्रिएट हो गए, नॉर्थ साउथ पोल बनने स्टार्ट हो गए, नॉर्थ साउथ, यानी एक डायपोल जो थे वो बनने स्टार्ट हुए, तो एक यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में जितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि जितना ये मेटल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, मैग्नेटिक डायपोल्स इसमें जनरेट होंगे और वो मेटल उतना ही क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसकी टोटल लेंथ मैंने 2L ले ली, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A ले लिया मेटल का, तो यहां पे तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और यहां पे वॉल्यूम को किससे करते थे, वी से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जितने ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होंगे किसी में पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेटल उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा। इसकी यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की आपको पता है क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यहां पे वॉल्यूम की क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब यूनिट जो होगी वो कितनी होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स होगी, और यही यूनिट थी एच की, सेम एज ऑफ एच। तो यूनिट और डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसकी, आई और एच की क्या होती है, सेम होती है, इनकी यूनिट दोनों की क्या है, सेम है, आई और एच की। दूसरी टर्म्स में देखते हैं इसको एक बार ध्यान से, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, ऑल्सो डिफाइन, एक टर्म्स आई थी जो हम पढ़ेंगे आगे, यहां पे मैंने एक पोल माना मैग्नेटिक पोल, और मैग्नेटिक पोल जो था उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, एम। यहां से पोल लगातार बनते रहेंगे, मैग्नेटिक पोल कितनी लेंथ तक है, तो मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा, इस पे अगर नॉर्थ है इस साइड में, तो इस साइड में क्या होगा, साउथ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम इंटू में लेंथ, एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी थी और कितनी डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच में, तो एम इंटू में 2L मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे स्पेसिमेन को जिसको हमने मैग्नेटाइज किया उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहां पे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी होगा, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या आया, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसलिए हमने कहा था जब भी हम मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो उसकी पोल की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट था, तो यहां पे एरिया जो था वो भी आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मेटल कितना मैग्नेटाइज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी, यानी वो मेटल उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटाइज होने की कैटेगरी में होगा, उतने ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ वहां पे जनरेट होगा। तो ये टर्म्स थी इसकी, ठीक है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट हम ज्यादा जो यूजफुल है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं,
कितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हुए पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इसके अगर मैं पार्टीशन करना स्टार्ट कर दूं तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डायपोल जनरेट हुए, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको बोलते हैं। अब हमारी लास्ट डेफिनेशन आ रही है, उसको देखते हैं। तो हमारी लास्ट जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की तरह होता है, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी। मैग्नेटिक के लिए इलेक्ट्रिकल हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक में भी आता है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट हमारी डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसको डिफाइन करते हैं तो बेसिकली क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी है, कोई टर्म्स नहीं है, कहता है कि इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस। अब ये प्रॉपर्टी क्या बताएगा, मैं क्या डिफाइन करने की कोशिश करेगा, हाउ इजिली ए स्पेसिमेन कैन मैग्नेटाइज। कि मैंने कोई मेटेरियल रख रहा, कोई स्पेसिमेन रखा, वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए किसी फील्ड में रखेंगे तो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब ये तो होगी डेफिनेशन की बात, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिवली हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी आसानी से कोई चीज मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिवली अगर देखा जाए तो हम जाई एम को ये तो बता सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को, कि मटेरियल जो मैग्नेटाइज होगा वो कितना हुआ, उसको बताने के लिए कौन सी डेफिनेशन थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, की कितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बने हैं पर यूनिट वॉल्यूम की, इतना हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ है। कब हुआ ये मैग्नेटाइज, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो कितनी फील्ड में रखा, एच में आया ये, इतना बना और इसमें रखा था। बेसिकली ये क्या है हमारे पास में, आउटपुट है कि इतना तो बन चुका मेटेरियल हमारा मैग्नेटाइज, और ये क्या था, इतना हमने अप्लाई किया था, ये इनपुट है। तो बेसिकली अगर हम लोकल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो क्या समझ सकते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो इसको समझने के लिए आप डेफिनेशन में ये रखो, लेकिन कौन कितना आसानी से मैग्नेटाइज्ड हुआ है वो क्या बताता है, एफिशिएंसी। तो इसका मतलब जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो मेटल उतना ही आसानी से क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। तो इसका मतलब लिखने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, बट मैं इसको माइंड में सोच के चलूंगा कि ये एफिशिएंसी है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी वो मेटल उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होने के लिए आसान रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई अपॉन में एच जो होता है वो बेसिक टर्म्स है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे हमने आई भी पढ़ा था और एच, दोनों की यूनिट क्या थी, सेम थी, तो सेम होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिटलेस। अब एक और पॉइंट और ऐड हो गया, एफिशिएंसी की यूनिट भी नहीं होती, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर वो भी क्या होता है, यूनिटलेस। ये भी क्या है, यूनिटलेस। तो माइंड में आपको रखना है कि ये एफिशिएंसी है और वैसे क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम रिलेट कर सकते हैं विद एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी, ये यूनिटलेस होता है। जैसे हमने आई पढ़ा था, आई जो था वो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था, क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में था। तो जाई एम को मैं ऐसे कह सकता हूं इसके दूसरे नाम से, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी, बिलिटी ऑफ मेटेरियल। ये जो जाई एम होगा इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। क्यों बोला इसको, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो था वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इसलिए जाई एम को भी क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। यूनिटलेस होता है बेसिकली एफिशिएंसी, जिस मेटल की जाई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मेटल उतना ही इजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम उसको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे। तो ये हमारे पास में बेसिक टर्म्स थी। क्लियर हुआ, इन डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन हैं, कई बार वन मार्क्स में पूछ ली जाती है, रिलेशन भी पूछी जाती है। अब इन्हीं की हेल्प से हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करें। थैंक यू।